वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मशाल भी। हाँ, ये मशाल का जुलूस है। हम यही कहने आए हैं, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे देश के। ये जो 400 पार बोल रहे हैं, मैं आपको लिखित में कहता हूँ ये 200 पार भी नहीं होंगे, और जेल का जवाब वोट से दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता देने के लिए जा रही है। आज जब उनकी बीवी मिलने के लिए जाती है तो एक कांच की दीवार बनाई जाती है, उस कांच की दीवार के अंदर फोन दिया जाता है, फोन पे बात किए जाते हैं, मुख्यमंत्री पंजाब के जाते हैं, उनसे बात नहीं करने दी जाती है। अरे इतना पैरा तो आतंकवादियों के ऊपर करते तो हमारा संसद पे हमला नहीं होता। मैं बोल दूं कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार करा है, 100 करोड़ लिए उन्होंने मेरे से, कर लोगे गिरफ्तार मोदी जी को? यहाँ पर इन लोगों ने नारों के साथ इन मशालों को जला दिया है। बात बताइए, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में है, उससे उसकी फैमिली वालों को, उसके वकील को मिलने तो दोगे? टेररिस्ट को भी अपने वकील से मिलने का राइट होता है, वो तो दिल्ली का सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। मोदी करता है, मोदी तेरी ताना चाहिए। ऐसे डेमोक्रेसी है भाई? ये तो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हो तुम, ये तो वसूली भाई बने हुए हो कि या तो तुम मेरे को पैसा दो वरना तुम जेल में जाओगे। 400 पार है तो फिर इतना डर क्यों कि ईडी सीबीआई का पूरा रोस्टर लगा हुआ है। गिरफ्तारी के बहाने दिल्ली हथियाने वाला काम हमें साजिशों का घर लग रहा है। घोटाला तो सिर्फ एक बहाना है, सच तो है केजरीवाल से मोदी को डर लग रहा है। पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है, और इसीलिए जो देश के युवा है, होनहार युवा है, जिनको देश की चिंता है, वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीयू के 8 सिक्योरिटी गेट के बाहर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और एक मार्च भी निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो इनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस पर इनका क्या कहना है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जो इल्लीगल तरीके से अरेस्ट किया गया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे डीयू के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। एक IITN, एक IRS ऑफिसर जो इतने साल तक झुग्गियों में रह के जिसने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठाई, देश के लोगों की आवाज़ उठाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए इतने सारे काम किए। गरीबों के लिए फ्री बिजली पानी करा, अस्पतालों में फ्री टेस्ट करवाए, फ्री मेडिसिन उपलब्ध कराई, सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरवाई, महिलाओं के लिए फ्री बस उपलब्ध कराई। ऐसे इंसान को केवल झूठे बयानों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, ये कितना गलत है, कितना बड़ा अन्याय है, देश के लोकतंत्र के साथ कितना बड़ा धोखा है। तो आज डीयू के स्टूडेंट्स, सारे युवा अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में सड़कों पर है, और ये तानाशाही और नहीं चलेगी। हम सब केजरीवाल जी के साथ हैं, इस देश का हर ईमानदार व्यक्ति केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। भ्रष्टाचार का आरोप तो लगा है ना, शराब घोटाला तो हुआ है, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी। अगर मैं बोल दूं कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार करा है, 100 करोड़ लिए उन्होंने मेरे से, कर लोगे गिरफ्तार मोदी जी को? भाई केजरीवाल जी ने भी कोर्ट में ये बात बोली कि भाई जिस बयान पे चांदनी चौक के एक जेब कतरे को गिरफ्तार नहीं करा जाएगा, उस पे दिल्ली के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया। यही लोकतंत्र है, वो भी चुनाव से ऐन मौके पे। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी है कि चुनाव होने से पहले ही सारे विपक्ष को जेल में डाल दो, ये कहाँ का न्याय है? लेकिन ये भी कह रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल की संदेश पहुंचा रहे हैं जेल से कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, तो उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ? भाई एक बात बताइए, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में है, उससे उसकी फैमिली वालों को, उसके वकील को मिलने तो दोगे? टेररिस्ट को भी अपने वकील से मिलने का राइट होता है, वो तो दिल्ली का सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। भाई आखिर इतना डर क्यों लग रहा है मोदी जी को? इतना डर किस बात का कि चुनाव से पहले ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दो झूठे बयानों के आधार पे? मोदी जी ने भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी कह रहे हैं कि नेताजी ने भाई किया है ऐसा, तो इस्तीफा मतलब नहीं दिया, पद से इस्तीफा नहीं दिया है। मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ बोला? भाई मोदी जी की पार्टी, मोदी जी की सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई, ऐसी ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जो कंपनियां घाटों में है। भाई ऐसी कौन सी कंपनी है, इत्तेफाक हुआ, ऐसी ऐसी कौन सी कंपनी है मतलब जो खुद घाटे में जा रही है लेकिन करोड़ों का डोनेशन बीजेपी को दे रही है? भाई आप बताओ, आपका अगर बिजनेस होगा, आप घाटे में जाओगे, आप डोनेशन दे दोगे? भाई पहले खुद तो कमा लोगे, खुद तो थोड़ा प्रॉफिट में होगे, तब तो दूसरे को डोनेशन दोगे। ईडी की रेड पड़ेगी उसके बाद बीजेपी को डोनेशन मिलेगा, तो ये क्या है? इससे बड़ा करप्शन आज तक देश में हुआ है क्या? इससे बड़ा घोटाला तो नहीं है देश में?
कंपनियों ने इलेक्ट्रोनल वॉल्ट खरीदे, 3000 कंपनियों ने खरीदे, 26 कंपनियों पे छापे पड़े। मेरे को ये बताओ इलेक्ट्रोनल बॉन्ड कौन लेके आया? मोदी जी की सरकार लाई। इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन किसको मिला सबसे ज्यादा? बीजेपी को, मोदी जी की सरकार को मिला। ऐसी ऐसी कंपनियों ने डोनेशन दिया जो खुद घाटे में। जिस कंपनी पे ईडी की रेड पड़ती है वो कंपनी डोनेशन देती है, जिस नेता पे ईडी की रेड पड़ती है वो नेता जाके या तो भाजपा ज्वाइन करता है, ज्वाइन नहीं करता तो जेल में जाता है। ऐसे डेमोक्रेसी है भाई? ये तो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हो तुम, ये तो वसूली भाई बने हुए हो कि या तो तुम मेरे को पैसा दो वरना तुम जेल में जाओगे। ये लोकतंत्र नहीं होता। कैसे इत्तेफाक हो जाएगा मैडम? आप बताओ, आप घाटे में जाओगे, आप किसी को डोनेशन दे दोगे? ये इत्तेफाक नहीं होता। थोड़ा सा तो दिमाग जनता के पास भी है ना। 400 पार की बात हमेशा लगातार बीजेपी करते आ रहे हैं, मतलब मोदी जी करते आ रहे हैं, 400 पार की बात क्या कहेंगे? 400 पार है तो फिर इतना डर क्यों कि ईडी सीबीआई का पूरा रोस्टर लगा हुआ है। पहले दिन बंगाल से बुलाएंगे अभिषेक बनर्जी को, दूसरे दिन बिहार से बुलाएंगे तेजस्वी यादव को, तीसरे दिन दिल्ली से बुलाएंगे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को, चौथे दिन तमिलनाडु से बुलाएंगे, पांचवे दिन तेलंगाना से बुलाएंगे। तो ये तो ईडी सीबीआई सबसे बड़े स्टार प्रचारक और सबसे बड़े अलायंस बने हुए बीजेपी के, मोदी जी के। धर्म की राजनीति जो बीजेपी कर रही है इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। पाप का घड़ा आज नहीं तो कल भरेगा, भरेगा तो जरूर। देश का हर गरीब इंसान, हर एजुकेटेड इंसान जिसको दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल देश के लोगों के लिए काम करता है, अपनी जेबें भरने के लिए काम नहीं करता, अडानी की जेबें भरने के लिए काम नहीं करता, इस देश के गरीब की भलाई के लिए काम करता है, तो हर वो इंसान जिसको दिखाई दे रही है सच्चाई वो उनके साथ खड़ा है। जो चाहता है देश दुनिया का नंबर वन देश बने वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। जो चाहता है इस देश का एक एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर आए जो इकोनॉमिक सच में समझे, जिसके पास सच में रियल की डिग्री हो, वो प्रधानमंत्री बने जो देश को चला सके वाकई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है मार्च था आज, मशाल मार्च था, और यहाँ पर इन लोगों ने नारों के साथ इन मशालों को जला दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशाले जलाई जा रही हैं और ये मशाल मार्च आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। छुड़वाना है नरेंद्र मोदी, मुर्दाबाद, डिक्टेटरशिप कर रखी है, देश बेच दिया पूरा नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट है यहाँ पर और ये मशाल लेके आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज ये स्टूडेंट सड़कों पे उतरे हैं, ये स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि मोदी मोदी ये तुम्हारा तानाशाही फैसला, तो हमें दिल्ली के विकास का असर लग रहा है, मोदी को हटाओ और देश को बचाओ नारा, जिधर भी देखो ये उधर लग रहा है, गिरफ्तारी के बहाने दिल्ली हथियाने वाला काम, हमें साजिशों का घर लग रहा है, घोटाला तो सिर्फ एक बहाना है, सच तो है केजरीवाल से मोदी को डर लग रहा है। हम एक चीज ये भी कहते हैं, केजरीवाल को रिहा नहीं किया तो समझो ये आग पूरे हिंदुस्तान में भी अब फैलेगी, जितना भी जनता को तुमने पेला है उससे ज्यादा ये 24 में तुमको भी पेलेगी, एक तानाशाह का दंश हम झेल रहे पर आने वाली पीढ़ियां कभी भी नहीं झेलेगी, फिर से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा जब केजरीवाल की झाड़ू प्रचंड पारी खेलेगी। इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए स्टूडेंट सड़कों पे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए किसान सड़कों पे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए मां बहनें सड़कों पे हैं, इस देश का संविधान बचाने के लिए हर आम आदमी सड़कों पे है। क्यों है ये आम आदमी सड़कों पे? क्योंकि इसको पता है इस देश के अंदर जितना 10 साल के अंदर बेरोजगारी सीमा पार कर गई है, इस 10 साल के अंदर जितना यहाँ पर भूखमरी सीमा पार कर गई है, 10 साल के अंदर आपका गैस 400 रुपए से 1400 रुपए आ गया है, इस 10 साल के अंदर माँ बहनों के साथ कितना अत्याचार हुए, मणिपुर में जो हुआ है उसके खिलाफ एक शब्द बोलने को मोदी जी तैयार नहीं हुए थे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि दिल्ली उनकी नाक बनी हुई नाक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है लेकिन उनकी नाक के नीचे लगातार 3 सरकारें अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल अरविंद केजरीवाल देते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अरविंद केजरीवाल देते हैं। अरविंद केजरीवाल माँ बहनों के लिए 1000 रुपया महीने की स्कीम लेके आते हैं, तो मोदी जी को लगता है ये मेरे से ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल कहते थे मुझे पीएम नहीं बनना है, मुझे तो सेवा करनी है, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। एक अरविंद केजरीवाल ऐसा इंसान है जिसने आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हमारे फौजी जो जवान शहीद हो जाते हैं, पुलिस वाला शहीद हो जाता है, उसके घर वालों को शहादत के बाद में 1 करोड़ रुपये का चेक उसके घर दे के आने की
जो योजना अरविंद केजरीवाल लेकर के आए हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसे शख्स है, मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। हालत में दिल्ली वालों की तुमको बताता हूँ, हालत में 8 साल पहले की तुमको बताता हूँ, पीड़ा जो ये लोग भोगते थे तुमको सुनाता हूँ। सरकारी थे स्कूल जिसमें 80 बच्चे थे, पंखे थे 5 जिसमें 3 यूं ही लटके थे, था बोझ भारी फीस का माँ बाप के सर पे, उफ तक न करते बच्चों के नुकसान के डर से। आज़ादी के दीवानों का ये ख्वाब नहीं है जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। अरे अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दिया यहाँ पर कि जो हैप्पीनेस क्लासेस चलाई है उस हैप्पीनेस क्लासेस को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, ट्रंप उनकी बीवी आती है, लेविंस्का आती है, और वो आया पर आके कहती हैं कि पापा, उनकी बेटी कहती है पापा मुझे केजरीवाल के स्कूल देखने हैं। इसका मतलब क्या है? बारी जो हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की आ गई, मासूम निगाहों में रोशनी सी छा गई। डर जिनको कभी लगता था स्कूल जाने में, हमने ये चेंज किया है। डर जिनको कभी लगता था स्कूल जाने में, अब उनको मज़ा आने लगा डांट खाने में। जिन 16 लाख बच्चों ने ये स्वाद चखा है उनको विदेशियों ने भी शरमाते रखा है। मेहनत का रंग है कोई हिजाब नहीं है जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। बारिश में पानी कमरों से टपकता रहता था, करता भी क्या गरीब का बच्चा जो मरता था। जिनको कमाई फ्लाई ओवरों में दिखती थी, फिर कैसे नजरें सरकारी स्कूल पे टिकती। ऐसे में मनीष सिसोदिया जी की नजर पड़ी, सरकारी स्कूलों की तो काया पलट गई। शिक्षा में दिल्ली जैसा इनकलाब नहीं है जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। ये सारी अच्छी चीजें अरविंद केजरीवाल देते हैं, तब जाकर के मोदी जी को डर लगने लगता है कि मैं तो इतनी पढ़ाई करी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि शिक्षा कैसे दी जाती है। केजरीवाल को आता है, उनको पता ही नहीं माँ बहनों की सुरक्षा कैसे की जाती है, नहीं तो मणिपुर में कर देते। केजरीवाल वादे तो करते हैं ना मोदी जी। हाँ वादे अच्छे हैं, वो वादे बहुत अच्छे अच्छे वादे करते हैं। 15 लाख का वादा किया था, 1 रुपया नहीं मिला। बेरोजगारी हटाने का वादा किया, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 1 रुपया नहीं मिला। उन्होंने महिला सुरक्षा का वादा किया, मणिपुर के अंदर सब कुछ देख लिया, सारी चीज़ें हमने देख ली है। वो केवल और केवल एक सिंहासन में बने रहना चाहते हैं, उनको पता नहीं है तू हुआ है यूं मगरूर किस बात पर, क्यों बिगड़ता है हमारा सवालात पर। याद रख सब धरे ख्वाब रह जाएंगे, आ गया अगर ये आम आदमी अपनी औकात पर। शराब घोटाला तो हुआ है ना, ये तो कह रही है ना बीजेपी। अच्छा बीजेपी कह दे कि आज ये सड़क घोटाला हो गया तो हो जाएगा क्या? अगर बीजेपी कह रही है, ईडी इतना है, हाँ ईडी कह रही है, ईडी कह रही है कि शराब घोटाला हुआ, पहले कह रहे 100 करोड़ का हुआ, फिर कह रहे 75 का, आप 45 करोड़ पे आ गए। उनको पता है कि ये घोटाला है ही नहीं, और अगर घोटाला होता तो किया उन्होंने, जिस शरद चंद्र रेड्डी को आरोप दाखिल किया था उसी को बाद में गवाह बनाया। गवाह बनाने के बाद पता चला कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से पता चला कि 5 करोड़ की रिश्वत ली गई, 5 करोड़ चंदा दिया बीजेपी को, उसके बाद फिर 50 करोड़ का चंदा दिया, यानी कि 55 करोड़ का चंदा बीजेपी लेती है और केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाती। इसका मतलब है आरोप झूठा है, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना पड़ेगा। इनको पता है कि मोदी जी का सबसे बड़ा डर अरविंद केजरीवाल है आज की तारीख में। जी वो केजरीवाल जब जेल में है तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं आतंकवादी नहीं हूँ, तो उनको जेल से ये क्यों कहना पड़ रहा है? तो ये आप खुद कह रहे हैं ना कि आतंकवादी जेल, आतंकवादियों के जैसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। कितने लोग आरोप हैं, कितने लोग जेल के अंदर रहे हैं, कितने बड़े बड़े नेता रहे हैं, उनको उनके परिवार वालों से दोस्तों से कितना मिलने दिया गया था, लेकिन आज जब उनकी बीवी मिलने के लिए जाती है तो एक कांच की दीवार बनाई जाती है। उस कांच की दीवार के अंदर फोन दिया जाता है, फोन पे बात किए जाते हैं, मुख्यमंत्री पंजाब के जाते हैं उनसे बात नहीं करने दी जाती है। अरे इतना पहरा तो आतंकवादियों के ऊपर करते तो हमारा संसद पे हमला नहीं होता, इतना पहरा आप इस देश के ऊपर लगाते तो पुलवामा का हमला नहीं होता, इतना पहरा अगर देश के अंदर आप करते तो हमारी माँ बहनों की किस्मत नहीं लूटी जाती हमारे मणिपुर के अंदर, इतना पहरा हमारे देश के अंदर लगाया जाता तो किसानों को आज MSP का कानून मिल गया होता, इतना पहरा हमारे छात्रों के ऊपर लगाया जाता तो 2 करोड़ के रोजगार की गारंटी दी गई थी, एक भी रोजगार उनको आज तक नहीं मिला है। सर अभी जो मोदी जी ने इंटरव्यू दिया है उसमें कह रहे हैं कि नेताजी ने पहले तो ये कहा था कि कुछ होगा भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, उसके बाद अभी भ्रष्टाचार होता है, उसको रील्स भी ऐसी वायरल भी हो रही है, इस्तीफे क्यों लेगा भाई? इस्तीफे के लिए वो बोल रहे हैं, जब सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार बनाई थी 49 दिन की सरकार, जब 49 दिन की सरकार बनाई थी उस समय सरकार गिर गई थी लोकपाल कानून को लेकर के, उसके बाद में जब दूसरी बार
सरकार बन रही थी उस समय अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली की जनता नाराज हो गई थी कि हमें तो दिल्ली का बेटा मिला है, इसने इस्तीफा क्यों दे दिया। तो अरविंद केजरीवाल ने उसी समय कहा था कि जीवन में एक चीज़ सीख लीजिए, कुछ भी हो जाए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। उसके बाद लगातार दो बार फिर मुख्यमंत्री बना, यानी कि लगातार तीन बार मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल बने हैं। जनता से पूछा जा करके कि देखो जी घोटाला नहीं है कुछ भी, आप कहते हो तो मैं सरकार की इस्तीफा दे दूंगा, आप कहते हो तो मैं सरकार जेल से चला दूंगा, जैसा आप कहो। जनता की राय ली गई, जनता का व्यू आया, जनता ने कहा केजरीवाल सरकार चलाना चाहिए, चाहे जेल से चलाए चाहे जेल के बाहर से चलाए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं जनता का सेवक हूं, जनता की बात मान रहा हूं। आखिरी सवाल सर, कि इंडिया गठबंधन पहले मजबूती के साथ आया था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ईडी के छापे से कुछ लोग, कुछ जो नेता है वो अलग थलग हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल भी जेल जा चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब कमजोर पड़ता जा रहा है इंडिया? नहीं, इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं पड़ रहा है, इंडिया गठबंधन बिल्कुल कमजोर नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर मैं कह रहा हूँ, मोदी जी कह रहे 400 पार, ठीक है ना, 400 पार कोई मानी 400 पार है, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, भारत भर में पार 400 करने की जो सोच रहे, दिल्ली में वो बन खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहे, दिल्ली और पंजाब में जनता का विश्वास ना टूट रहा, इसीलिए तो बीजेपी का आज पसीना छूट रहा। इंडिया गठबंधन से दिल्ली में धमाल हो गया और सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मशाल भी, हाँ, ये मशाल का जुलूस है, हम यही कहने आए हैं, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे देश के। देखिए ये पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय की जो छात्र संघ है और जो छात्र छात्राएं हैं उनके द्वारा ये आह्वान किया गया था कि उनके दिल्ली के सबसे प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, जो मोदी अमित शाह की जोरी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे ईडी ने जो इनकी इल्लीगल अरेस्टिंग की है शराब घोटाले के नाम पे, उनके विरोध में उनकी रिहाई को लेके ये मार्च निकाला गया है, जो कैंडल मार्च भी था, पदयात्रा भी थी और मशाल जुलूस भी है। ये पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघों ने, छात्र छात्राओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है, लोकतंत्र की हत्या को लेके, संविधान की हत्या को लेके केंद्र सरकार के प्रति अपनी रोष दिखा रहे हैं। ये जिनके हाथ में ये मशाल है वो बिल्कुल सेफ्टी के साथ इसको उठा रहे हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार ने किया है उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की जो एक छवि थी, एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता था, वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या को लेकर जिस तरह से जर्मनी और यूएसए के एम्बेसडरों ने भी बातें उठाई है, तो मोदी सरकार की जो नीति है और जिस तरह से वो अपने विपक्षियों को बर्खास्त, जिस तरह से ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है। और इसीलिए जो देश के युवा हैं, अनहाल युवा हैं, जिनको देश की चिंता है, वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी उनके सहयोगी हैं, और ईडी पीएमएल एक्ट का गलत उपयोग करके इन सबों को अभी तक जेल में रखे हुए हैं। लेकिन बहुत ही जल्द दूध का दूध पानी का पानी होगा, ट्रायल में सब के सब बरी होके बाइज्जत बरी होंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे आप बिल्कुल 100%। मैं इस केस को कोर्टों में भी जाके देखता हूँ, ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, किसी एक व्यक्ति के कह देने से मैं कह दूं कि आपको 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो उसके अलावा मैं कह दूं कि मैंने प्रधानमंत्री को, उनके पीए को 100 करोड़ रुपए दिए हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? ईडी सीबीआई कर क्या रही है? अभी तो इलेक्ट्रोलर बॉन्ड में आपने देखा कि 60 करोड़ रुपये वो व्यक्ति शराब माफिया जिसको आप कह रहे हैं शरद रेड्डी, उन्होंने उनको 60 करोड़ रुपये का चंदा दिया, तो किस पर्पज़ के लिए दिया था? तो कह रहे हैं कि इत्तेफाक है, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि ऐसा हो सकता है कि 3000 जो कंपनियां हैं उन्होंने चंदा दिया हो इलेक्ट्रोनल बॉन्ड को, लेकिन उसमें से 26 पे ईडी का छापा पड़ा है। ऐसा है कि इलेक्ट्रोनल बॉन्ड है ये, कोई किसी के अकाउंट में पैसे जमा नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोनल बॉन्ड का मतलब होता है कि एक व्यक्ति SBI से एक पत्र खरीदता है पैसे देके, और वो जाके पॉलिटिकल पार्टी को देती है, वो पॉलिटिकल पार्टी फिर बैंक में जाता है और तब होता है। तो जब पॉलिटिकल पार्टी के पास वो आया इलेक्ट्रोलर बॉन्ड आया, उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि ये शरद रेड्डी है जो अभी शराब माफिया के रूप में शराब नीति के अंदर ईडी में बंद है। तो उन्हें तो जिस दिन बॉन्ड दिया गया था इन प्रिंसिपल, उसी दिन उसके बॉन्ड को रिजेक्ट कर देना चाहिए था, और उसको जाके आप जाके करते हैं इनकैश, और इनकैश करने के बाद क्या होता है कि जब उनका बेल लगता है तो आप क्या करते हैं कि आप बेल को अपोज नहीं करते और उनका बेल हो जाता है। तो ये दिखाता है कि ये किस तरह से एक्सटॉर्शन चला रहे हैं, ये ईडी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने एक्सटॉर्शन का काम किया है, और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट निस्संदेह इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगी, और यदि
पीएमएलए एक्ट में किसी को बंद होना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसके कोषाध्यक्षों को जो इन एक्सटॉर्शनों में इन्वॉल्व है, वो सब के सब अंदर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके जो 24 के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें इस चीज़ का असर पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर विपक्ष पे ईडी लगातार शिकंजा कर रही है। देखिए, ईडी जो शिकंजा कसरे जिसको आप कहते हैं सीबीआई कर रही है, पूरा देश देख रहा है, सबको पता है किस तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है। चुनाव के समय विपक्ष के, पहली बार चुनाव घोषित होने के बाद विपक्ष के किसी मुख्यमंत्री को और तीन बार के मुख्यमंत्री को इस तरह से अरेस्ट किया गया, ये पहली घटना ऐसी हुई है। और इस घटना ये साबित करते पूरे देश की जनता देख रही है। और ये जो 400 पार बोल रहे हैं, मैं आपको लिखित में कहता हूँ ये 200 पार भी नहीं होंगे। और जेल का जवाब फोर्ट से दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता देने के लिए जा रही है। और ये सरकार तानाशाह सरकार, सभी जानते हैं कि देश का संविधान बचाना, देश का लोकतंत्र बचाना आज जरूरी है, जो धर्म और संप्रदाय से ऊपर की बात है। तो पूरा देश धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ के अपने लोकतंत्र के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए इस तानाशाह सरकार को, मोदी सरकार को हटाने का काम करेगी। और निस्संदेह इंडिया गठबंधन की सरकार और बाकी सभी विपक्षी दल मिल के एक सरकार बनाएंगे केंद्र में, जो देश को विकास की ओर लेके जाएंगे, जो रोजगार सृजित करेंगे, जो महंगाई को कम करने का काम करेंगे, जो किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास करेगी। आज हर तबका, देखिए किसान, देखिए किस प्रकार से उन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे, बीजेपी भी मैनिफेस्टो में लाई। देखिए मैनिफेस्टो में लाती या करती क्या, मैनिफेस्टो में तो इनके हमेशा थे, 2014 के मैनिफेस्टो में थे कि किसान की आय दुगनी करेंगे, 2019 के मैनिफेस्टो में भी थे। लेकिन क्या है, आज देख रहे हैं पूरा देश में किसान किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह से पूंजीपतियों के हाथों किसानों को गुलाम बनाने का प्रयास तीन कानूनों के द्वारा किया गया, जिसका विरोध करने के बाद वापस लिया गया। आज भी किसान, पूरे देश के किसान आंदोलनकारी थे, पूरा छात्र आंदोलन कर रहा है, महिलाएं आंदोलन कर रही है, छात्र आंदोलन है, महिलाएं कर रहे हैं, युवाएं कर रहे हैं, किसान कर रहा है। देश का ऐसा कौन सा वर्ग है जो आज मोदी सरकार से त्रस्त नहीं है और आंदोलन नहीं कर रहा है? जब देश का एक एक वर्ग आंदोलनकारी हो गया, चाहे व्यापारी वर्ग क्यों नहीं है, जो केंद्र सरकार की नीतियों को लेके जब पूरा देश ही आंदोलन पर बैठा हुआ है, ये कौन सा विकास हो रहा है, कौन सा मॉडल है? तो पूरा देश इस बार एक साथ मिलकर देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश में महंगाई को कम करने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए मोदी सरकार को हटाएगी और जरूर हटाएगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।